नैनी क्षेत्र के एग्रीकल्चर पुलिस चौकी अंतर्गत ठगुरी का पुरवा मोहब्बतगंज में यमुना कछार के पास बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से एक सिपाही की कुचलकर मौत हो गई, उसकी सरकारी पिस्टल भी गायब है। सूचना पर एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एसपी यमुनापार दीपेंद्र नाथ चौधरी और सीओ आशुतोष तिवारी मौके पर पहुंचे। घटना के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे जेसीबी बुलाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाला गया। एग्रीकल्चर पुलिस चौकी में तैनात सिपाही रवि पांडे पुत्र सत्यदेव पांडे निवासी बढ़हरा थाना भोजपुर आरा बिहार अपने साथी हेड कांस्टेबल मनोज राय, चौकी इंचार्ज एग्रीकल्चर तरुण तिवारी और एक अन्य दरोगा के साथ शुक्रवार रात मोहब्बतगंज के ठकुरी का पूरा गांव की यमुना कछार में हो रहे अवैध खनन और परिवहन की सूचना पर पहुंचे थे। अचानक पुलिस को सामने देख ट्रैक्टर ट्रॉली में बालू लादकर जा रहे लोग ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। पुलिस वालों ने पकड़ने का प्रयास किया तो उनकी गाड़ी बालू में फिसल गई। रवि पांडे के साथ बैठा सिपाही पहले उतर गया। रवि ने बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने का प्रयास किया, इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गई, जिसमें दबकर राजू पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। मौके पर मिला ट्रैक्टर मोहब्बतगंज के राज बहादुर का है। चौकी जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके आरक्षी रवि पांडे और उसकी टीम को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग बालू का अवैध परिवहन यहाँ से कर रहे हैं। इस सूचना पर रवि पांडे और उनके एक साथी बाइक से आए थे और जब ट्रैक्टर जो बालू लेके जा रहा था उसने देखा तो अचानक उसने तेज़ी से मुड़ा और उस पीछे की तरफ भागने लगा और बाद में सिपाही ने उसका पीछा किया और इसकी सूचना जब थाने की हुई तो आकर के ये देखा गया कि जो हमारा सिपाही रवि पांडे था वो ट्राली के नीचे दबा पड़ा था। उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में ही एक विवेचना का विषय है और इसमें हमने उनके परिजनों को सूचना कर दी है, परिजन भी आ रहे हैं और पोस्टमार्टम जब कल होगा उसके बाद सही तथ्यों का खुलासा होगा कि इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई है। पुलिस सारे मामलों की बहुत गहराई से छानबीन कर रही है और जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। दुर्घटना में मारा गया सिपाही रवि पांडे वर्ष 2011 बैच का सिपाही है। नैनी में नियुक्त 26 मार्च 2018 में नियुक्ति हुई है। उसकी पिस्टल नहीं मिली है। पुलिस जेसीबी मशीन के जरिए बालू हटवाकर गायब पिस्टल खोज रही है। हालांकि घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हैं।